नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। एक सब्सक्राइबर जी की रिक्वेस्ट से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 10 एक्सप्रेसवे के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि क्यों खास होता है एक्सप्रेसवे और ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 10 एक्सप्रेसवे जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है या प्रपोज्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी जो कुल लंबाई होगी वो 1250 किलोमीटर होगी। दूसरे नंबर पर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि 343 किलोमीटर का होगा। ये शुरू होगा बाराबंकी से लेकर गाजीपुर तक, 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। तीसरे नंबर पर है दिल्ली मेरठ, 14 लेन का एक्सप्रेसवे। चौथे नंबर पर है मुंबई नागपुर जो कि 701 किलोमीटर का होगा और 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। पाँचवें नंबर पर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि 4 लेन का होगा, जिसकी जो कुल लंबाई होगी वो 279 किलोमीटर होगी, जो कि औरैया से शुरू होकर चित्रकूट तक जाएगा। छठवें नंबर पर जो एक्सप्रेसवे होगा वो होगा सलेम चेन्नई, जो कि 277 किलोमीटर होगा और 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा। सातवें नंबर पर जो एक्सप्रेसवे है वो है चंदेली से राउरकेला, जिसकी कुल लंबाई 656 किलोमीटर होगी। आठवें नंबर पर है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई 262 किलोमीटर होगा, जो कि 8 लेन का आपका एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा। नौवें नंबर पर होगा ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेसवे, जो कि सदिया से शुरू होकर डुबरी तक जाएगा, जिसकी कुल लंबाई होगी 890 किलोमीटर। और दसवें नंबर पर होगा नर्मदा एक्सप्रेसवे, जो कि 1300 किलोमीटर का होगा, जो अमरकंटक से शुरू होकर जबलपुर तक जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं ये एक्सप्रेसवे क्या होता है और साथ ही क्या खास होता है और ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट क्या होता है। तो चलिए, एक्सप्रेसवे एक एक्सेस कंट्रोल हाईवे होता है और एक नया रोड होता है जिसमें लैंड अधिग्रहण की समस्या नहीं होती और कॉस्ट भी कम पड़ता है। यदि एग्जिस्टिंग रोड में बनाए तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। इसमें कोई भी रोड जब आता है तो उसको एग्जिट पास के जरिए मिलाया जाता है। बाकी एक्सप्रेस हाईवे से संबंधित डिटेल के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही अब हम बात करेंगे कि ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट क्या होता है। एक्सप्रेसवे में ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट एक ऐसा अलाइनमेंट होता है जिसमें जो भी हाईवे बनता है वो आपका नया हाईवे बनता है, यानी कि आपका एग्जिस्टिंग हाईवे पर उसका कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है। एक ऐसा अलाइनमेंट चुना जाता है जिसमें पेड़ों को कम से कम नुकसान हो और साथ ही लैंड जो अधिग्रहण है, भूमि अधिग्रहण है, उसमें समस्या ना आए। तो एक तरह का ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट एक नया रोड होता है, जो कि जो सारे एक्सप्रेसवे जिनका काम चल रहा है, जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये बिल्कुल नए हाईवे पर बन रहे हैं, जो कि काफ़ी सुविधाजनक रहेंगे। तो दोस्तों, आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।